नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर जो पेपर देख रहे हो, ये बीए पार्ट फाइनल यानी बीए पार्ट थर्ड ईयर का पेपर है और इस बार का यानी 2023 का ही पेपर है। और जैसा कि देख सकते हो, ये संस्कृत साहित्य का पेपर फर्स्ट है, संस्कृत साहित्य का पेपर फर्स्ट है और ये एक यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें देख सकते हो भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, ये पेपर फर्स्ट है। इस पेपर का नेम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। अब इसका जो पेपर सेकंड है वो आपके लिए जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा। आप एक बार इस पेपर फर्स्ट को देख सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर आप जैसे इस पेपर को अभी 2023 में देख रहे हो या आगे जाकर 2024 में देखोगे या इसको 2025 में देखोगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, मेरा पेपर अपलोड करने का मकसद यही है कि कोई स्टूडेंट मुझे ये ना बोले कि सर आप पेपर हमें अवेलेबल कराएं, क्योंकि मैं उनको जब भी पेपर के लिए बोलेंगे तो मैं उनको यूट्यूब सजेस्ट कर दूंगा। यूट्यूब पर सभी पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बिना देरी करते हुए। देखो, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको पूरा पेपर एक एक पॉइंट देख के चलना है। इनके अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो इनके आंसर आप डायरेक्टली दे दोगे, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं है। बाकी इनके आंसर आप अपनी नोटबुक से देख लेना या आपको गूगल से भी मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप उस जो क्वेश्चन रहेगा उसको पिन करके मैं वहाँ पर आंसर दे दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुंडा के इस पद का क्या अर्थ है? श्रीमद् भगवद गीता में यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको पता होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, नैन छिंदंती शस्त्रणि नैन दहति पावक के अनुसार शस्त्र किसे काट नहीं सकते, ठीक है। थर्ड है, योग क्षेम पद का क्या तात्पर्य है? फोर्थ है, श्रीमद् भागवत गीता में जनार्दन किसे कहा गया है? आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीमद् भागवत गीता है इसमें जनार्दन किसे कहा गया है। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार दो प्रकार के योग कौन से हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, तर्क संकट के अनुसार गुण कितने हैं और इनका नाम उल्लेख आपको करना है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है कि तर्क संग्रह अनुसार, मतलब कि तर्क संज्ञा अनुसार पृथ्वी का लक्षण लिखिए। एट नंबर का क्वेश्चन है, तर्क संगत के अनुसार स्मृति के वेदों का आपको नाम उल्लेख करना है, यानी नाम भी लिखना है और उन नामों का आपको उल्लेख करना है। नाम उल्लेख का मतलब होता है नामोल्लेख का मतलब होता है कि आपको उसका नाम भी लिखना है और उसको एक्सप्लेन यानी कि उसको आपको उल्लेख भी करना है, तो ये होता है नामोल्लेख का मतलब। नाइन नंबर का क्वेश्चन है कि सन्निक्रस के वेदों का आपको नामोल्लेख करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भूवातु लिट लकार प्रथम पुरुष के रूप में आपको बताना है। भू धातु और धातु और लिट लकार प्रथम पुरुष के रूप में आपको कोई वर्ड आपको बताना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के रूप में आपको लिखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कृत ऋषभ सूत्र का आपको अर्थ लिखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 13 नंबर का क्वेश्चन है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लिखिए। यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है या 14 नंबर का क्वेश्चन है कि लृप प्रत्यय को आपको लिखना है। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, अभ्यास से चर्चे सूत्र की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, यानी आपको एक्सप्लेन करना है, इसको आपका वर्णन करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसी के साथ में आपका जो भाग सेकेंड है वो स्टार्ट हो जाता है और भाग सेकंड के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जैसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ये भाग सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बिना देरी करते हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोकों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। इनमें से एक संस्कृत भाषा में करना अनिवार्य है, यानी कि एक का अर्थ आपको संस्कृत भाषा में करना अनिवार्य है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 10+10 यानी 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। अब फर्स्ट श्लोक देख सकते हो, इसको आप पढ़ लेना खुद से। याशासि जीर्णानि कथा विहाय नवानि गृहाणानि नरो नृपाणि, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है। क ऑप्शन है, ठ ऑप्शन है, गय ऑप्शन है और घ घड़ी वाला ऑप्शन है, यानी चार तो ये हो गए। इनमें से आपको एक का, चार में से एक का आपको इस संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर जो आत्मा है क्या है? साउल, आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं साउल। जो आत्मा है उसको आपको विषय में समझाना है। इसके अथवा हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो कि श्रीमद् भगवत गीता के जो तृतीय अध्याय है कि उसकी विषय वस्तु का आपको विवेचन करना है। बात करें यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किन्हीं दो गद्यांशों की सह संदर्भ व्याख्या कीजिए। किसी एक की व्याख्या संस्कृत भाषा में आपको करना अनिवार्य है। ये 9+9
यानी 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ऐसा, इसको याद कर लेना। क्या ऑप्शन है? उत्क्षेपणा, डवोद्दोपणा, कुंचन, प्रसारण गमनानी, पश्च कर्मयाणी। ठीक है, ख है यथार्थानुमौ सच्चुवीर्य, इसके बाद है प्रत्याक्षानुमित्युपमी शाब्दे बथात शाब्दे बेथात। ठीक है, तत्कारणमपि, थोड़ा इसमें ब्लर भी हो रहा है इसलिए भी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको बोलकर ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा एलसीडी क्वालिटी में नहीं देखोगे तो जो मेरे पास क्वालिटी आ रही है इससे भी बुरा आपको दिखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप अपनी नोटबुक में जाकर इसका अनुवाद देख लोगे। चतुर्थ चतुर्विदम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्याशानुमा नोपे मानस मानस शब्द बेधातु। ठीक है, ये दो श्लोक है, इनको आपको व्याख्या, इनकी संदर्भ व्याख्या आपको करनी है। गए ऑप्शन है चार, चार है उपमित करण मुपे मानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञान मुमिति तत्कारण सादृश्य ज्ञानम। ठीक है, गय ऑप्शन है आपते वाक्य शब्द आपस आपतस्तु यथार्थ वक्ता वाक्य पदर समूह यथा गमनार्थ शुक्ला दंडे नीति। ठीक है, पांचवा है तर्क मासानुसार द्रव्य विस्तृत विवेचन आपको करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि तर्क भाषानुसार समवाय संबंध को आपको स्पष्ट करना है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि अधोलिखित सूत्रों में से किन्हीं चार की आपको सोदाहरण यानी कि उदाहरण के अनुसार आपको व्याख्या करनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हो 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ में मतलब कि इनमें से किसी चार की आप सोदाहरण यानी उदाहरण के साथ में विद एग्जाम्पल आपको इनकी व्याख्या करनी है। ये सारे संस्कृत में दिए गए हैं, एक बार देख लेना, यानी कि यहाँ पर आपके छः जय जय ऑप्शन तक दिए गए हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार सर्वों की सूत्रों लेख पूर्वक सिद्ध कीजिए, यानी सूत्रों के साथ में आपको उसकी सिद्धि करनी है। जैसे भव्य हो गया, भविष्यामा हो गया, भवंतु, चोरियामी, एदे, दिव्यति, तनोति, क्रीडनंति क्रीडन्ति। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका था संस्कृत का पेपर जो कि मैंने बता दिया, यानी कि संस्कृत साहित्य का, संस्कृत लिटरेचर का पेपर था। पेपर फर्स्ट था, पेपर सेकंड भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। बाकी इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना जो ग्रुप हो, मुझे पता है कि अगर आप जैसे सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जैसे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आपका ग्रुप होगा, आपका कॉलेज का ग्रुप होगा, और उस कॉलेज के ग्रुप में आपके नोटिस वगैरह आते होंगे, मुझे पता है कि नोटिस वगैरह आते होंगे, तो उस ग्रुप में आप इस पेपर को सेंड कर दीजिए, जिससे कि जितने भी जो आपके सहपाठी है या आपकी जो दोस्त है, चाहे फिर वो गर्ल हो चाहे फिर बॉय हो, उनको ये शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए, आपके एक शेयर से उनकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि बैक ईयर का पेपर इस प्रकार से पूछा जाता है। तो एक बार इस पेपर को उनको भी भेज दीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, खुद के साथ में दूसरों का भी भला करना सीखिए। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।